मसीह में मेरे प्रिय भाई बहनों, और एक बार नए नियम के सवाल इस भाग में हम आज मनन करेंगे। प्रभु के अनुग्रह से मत्ती रचित सुसमाचार 17 अध्याय 19 वचन, मत्ती 17:19। तब चेलों ने एकांत में यीशु के पास आकर कहा, हम उसे क्यों नहीं निकाल सके। प्रिय भाई बहनों, इस संभव आपको मालूम है, एक दुष्टात्मा से पीड़ित एक लड़का को एक पिता ने लेकर आकर शिष्य लोगों के पास आकर उसको चंगाई देने के लिए वो लोग बोल रहे हैं, लेकिन यीशु मसीह तब उस उधर नहीं है। वो जैतून पहाड़ में याकूब, पतरस, योहन्ना तीनों को ऊपर लेके प्रार्थना करने के लिए उधर चले गए, इसलिए यीशु मसीह नहीं उसके पास साथ। इनके पास जो नौ शिष्य लोग बाकी थे उनके पास वो पिता लेके आया, लेकिन उस दुष्टात्मा से पीड़ित हुआ उस लड़का को, लड़का का अंदर जो दुष्टात्मा था उसको भगाने के लिए शिष्य लोगों को नहीं हो पा रहा था। इसलिए वो अकेला जब वो लोग रहते थे, वो लोग पूछ रहे हैं, प्रभु हम उसे क्यों नहीं निकाल सके। तब परमेश्वर ने बोल रहे हैं, उत्तर दे रहे हैं, उनसे कहा, अपने विश्वास की घटी के कारण। सीधा बोल दिया प्रभु, आप लोगों का अंदर विश्वास की घटी है, इसलिए आप लोग वो नहीं कर पा रहे। हम दुष्टात्माओं के बारे में हमको मालूम है, कई लोग ऐसे भी सोचते हैं, दुष्टात्मा जैसे कुछ चीज़ नहीं है। कोई कोई मसीह लोग भी बोलते हैं, दुष्टात्मा कहाँ है, दुष्टात्मा करके बोलते हैं, दुष्टात्मा कहाँ है, दुष्टात्मा ऐसे कोई चीज़ नहीं है, ऐसे कोई कोई बोलते हैं। वो लोग मूर्ख लोग हैं। सही में मैं बोल रही हूँ, दुष्टात्मा का काम, दुष्टात्मा पहले से है। आप देखिए, लोग सोच सकते हैं ऐसे, दूसरे कोई ऐसे सोचते हैं, एक विश्वासी के अंदर दुष्टात्मा कैसे आ सकता है, प्रभु का बच्चा के अंदर दुष्टात्मा कैसे आ सकता है, ऐसे बोलने वाले भी मैं सुना है। अब अज्ञानता से न रहना, क्यों एक विश्वासी का अंदर दुष्टात्मा आकर कार्य कर सकता है, मैं आपको सिखाती हूँ। हमारा शरीर, आत्मा, प्राण तीनों मिलकर हम हैं। उसमें हमारा आत्मा जिस दिन हम उद्धार पाए उस दिन पूरा पवित्र हो गया, नई सृष्टि बन गया, परमेश्वर का धार्मिकता से भरा हुआ है, यीशु मसीह जैसे दिखता है, पूरा सुरक्षित है, मोहर लगाया है उसका ऊपर, कोई भी शैतान का शक्ति उसको छू नहीं पाएगा, कोई पाप छू नहीं पाएगा। नई सृष्टि हमारा अंदर आत्मा में है, लेकिन हमारा मन मतलब प्राण और शरीर अभी भी उद्धार पूरा नहीं पाया है। वो हमको मालूम होना चाहिए। हमारे मन में कभी कभी पाप करते हैं, कुछ विचार रखते हैं, कुछ जलन करते हैं, कोई भी नहीं बोल सकते हैं, मेरा मन में एक भी विचार नहीं है, मैं आज सुबह से अभी तक एक भी बुरी विचार मेरा मन में नहीं आया करके, सबका अंदर बीच बीच में आता है, क्योंकि हमारा मन, हमारा प्राण अभी तक पूरा उद्धार नहीं पाया है। वचन से रोज बदलते जाता है, लेकिन जिस दिन प्रभु का आगमन आएगा तब हमारा मन में पूरा बदलेंगे। तब तक ये होते रहेगा, कंटिन्यूस टेंस होते रहेगा। और हमारा शरीर के बारे में आप सोचिए, हमारा शरीर में पाप निवास करता करके हम सब जानते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है, पौलुस कहता है, मेरा शरीर में पाप निवास करता है, इसलिए जो मैं चाहता हूँ वो नहीं कर पाता हूँ, जो नहीं चाहता वो कर रहा हूँ। हरेक का शरीर पापमय शरीर है। आदम का पुत्र सब जो मनुष्य है, हरेक मनुष्य का शरीर में पाप निवास करता है, इसे हम पाप करते हैं। हम उद्धार पाने के बाद में भी, अभिषेक पाने के बाद में भी, अन्य भाषा बोलने के बाद में भी, बड़ा बड़ा वरदान हमारे बीच अंदर से काम करने के बाद में भी, बावजूद भी हमारा शरीर में पाप निवास करता है, इसलिए हम पाप कभी कभी करते हैं। कोई जो ऐसे नहीं कर रहे करके बोल रहे हैं, सच में वो लोग झूठ बोलते हैं। वचन के अनुसार हमारा मन मतलब हमारा प्राण और शरीर इसमें पाप कभी कभी हम करते हैं, निवास करता है, इसलिए
दुष्टात्मा के लिए, दुष्टात्माओं के लिए जगह मिल जाता है। इसलिए एक विश्वासी भाई बहन का अंदर भी दुष्टात्माओं का काम हो सकता है। दुष्टात्मा आकर मन में निवास कर सकता है, शरीर में शरीर को कब्जा कर सकता है। हमारा सेवकाई में हम अनुभव में मैं बोलती हूँ, कई साल की विश्वासी बहन लोग भी, भाई लोग का अंदर भी कभी कभी दुष्टात्मा निकलता हुए हम देखा है। क्यों? क्योंकि वो लोग मन बदलते जा रहे हैं, बदलते जा, लेकिन जब दुष्टात्मा का के लिए मन प्राण और हमारा शरीर में पाप है, इसलिए हम दुष्टात्मा का ये हो जाता है। किसी किसी को ऐसे मैनिफेस्ट होता है, मतलब प्रकट होता है, लेकिन कई लोगों का प्रकट नहीं होता है। इसलिए कई लोग सोचते हैं क्यों हमारा, हम ऐसे शैतान पकड़ कर हम ऐसे घूम घूम के क्यों ऐसे हम नहीं गिरते हैं, वो लोग क्यों गिरते हैं, हम नहीं गिरते हैं कभी। इसलिए हमारा मेरा अंदर कुछ दुष्टात्मा नहीं करके कोई कोई लोग घमंड में रहते हैं, नहीं अब ऐसे मत सोचिए, नम्रता से उसको स्वीकार कीजिए दुष्टात्मा को, लेकिन हम भगा सकते हैं। पवित्र आत्मा हमारा अंदर गए, पवित्र आत्मा हमारे अंदर यीशु मसीह के अधिकार, यीशु मसीह के नाम का अधिकार हमारा हमें प्रभु दिया है। लुका में प्रभु ने बोला है, प्रभु के बच्चे लोग सबको अधिकार है, जिस जिसका नाम जीवन का पुस्तक में लिखा गया, मतलब उद्धार पाया हुआ एक परमेश्वर का बच्चा को प्रभु शैतान के सारे अधिकार का ऊपर अधिकार दिया है। यीशु के नाम से हमको अधिकार है, इसलिए हम डरना नहीं है। हमारा अंदर कभी कभी वो चुपके रहता है, मेरा मम्मी ऐसे बोलती थी, मेरा नानी जी ऐसे बोलती थी, मेरा पापा ऐसे करता था, मेरा नाना जी ऐसे करता था, ऐसे करके करके हम कुछ वचन के विरोध में, वचन में जो गलत है ऐसे चीज़ों को हम हमारा मन में जगह देते हैं। परिवार में ऐसे पीढ़ी पीढ़ी से कोई कोई विचार, कोई कोई पैटर्न, थॉट पैटर्न आ जाता है, तब शैतान उसको एक दीवार जैसे छुपने के लिए उसको स्थान मिल जाता है, आके वो काम करता है। दुष्टात्मा को हम भगाना आ गए, जब भी हमारा जीवन में ज़्यादा मेरे कुछ रुकावट हो रहा है, हमारे जीवन में कुछ शाप का सामर्थ्य कार्य करने के लिए कोशिश कर रहा है, और परिवार में अशांत हो रहा है, मैं विश्वासी है, माँ बाप विश्वासी है और बच्चे लोग भी विश्वासी हैं, फिर भी परिवार में कुछ समस्या उठ रहा है, तूफान जैसे कुछ समस्या आ रहा है, झगड़ा हो रहा है, मन में कुछ शांति नहीं है, नींद नहीं आ रहा है, ये सब चीज़ें हम नहीं सोचना चाहिए। मैं तो विश्वासी हूँ, मेरा पति विश्वासी है, मेरे बच्चे लोग विश्वासी है, कैसे ये सब आ रहा है, नहीं, आप उसका ऊपर अधिकार लेकर उसको भगा सकते हैं। विश्वास में मजबूत होकर उसको सामना करना है, तब वो भाग जाएगा। इधर हम पुराना नियम देखते हैं, पुराना नियम क्या है, शैतान के बारे में ज़्यादा लिखा है नहीं है, क्योंकि पुराना नियम में जो जो प्रभु के बच्चे लोग थे वो लोग नई सृष्टि नहीं हुए, उनका आत्मा में पूर्ण रीति से प्रभु यीशु मसीह के लघु भगाने के बाद में ही परदेश में जो जो पुराना नियम के पवित्र लोग थे उनको भी प्रभु लेकर स्वर्ग ले के जा पाए। तब तक वो लोग भूमि के नीचे नरक के पास में एक जगह में, पाताल के पास में एक जगह में वो लोग रहते थे। इसलिए पुराना नियम में शैतान का ऊपर अधिकार नहीं वो लोगों को, इसलिए ज़्यादा शैतान के बारे में दिया नहीं है। लेकिन पुराना नियम में भी दुष्ट लोग थे, दुष्टात्मा को अंदर जगह देते हुए शैतान का काम करने वाला पुराने नियम में कितने लोग, अब यहूदी लोग भी, अन्य जाति लोग भी, यहूदी लोग भी कभी कभी मूर्ति पूजा में लग गए। कारण क्या है? कोई दुष्टात्माओं के लिए जगह दिया। पुराना नियम में भी था, शाऊल को दुष्टात्मा पकड़ा हुआ था, तब दाऊद एक अच्छा से एक वीणा बजाकर पवित्र आत्मा से भरकर गीत गाता था, तब दुष्टात्मा भाग गया। पुराना नियम में पवित्र आत्मा आता था जाता था, लेकिन नया नियम में ऐसा नहीं, हम नई सृष्टि हो गए हैं, हम मसीह के अंदर हमें प्रभु पिता ने रखा है, यीशु का नाम हमें दिया गया है, यीशु का लघु का अंदर अधिकार है। आत्मिक हथियारों के बारे में इफिसियों के पुस्तक में गए, वो सब हम पहनकर विश्वास से मजबूत होकर उसको भगाएंगे, वो जाना ही पड़ेगा, ये हमको मालूम होना चाहिए, मालूम होना चाहिए। और हमको मालूम होना चाहिए कोई भी दुष्टात्माओं से पीड़ित हुए लोग आएंगे, हम डर के भागना नहीं चाहिए, उसको छुड़ाना ही प्रभु का इच्छा है, प्रभु का मकसद वही है, प्रभु उसके लिए हमको जो जो चाहिए हमको दिया है।
इसलिए हम डर के मारे भागना नहीं चाहिए, ऐसे ये क्या हमसे नहीं हो पाएगा, हमसे नहीं हो पाएगा प्रिय भाई बहनों, हमारा ताकत से नहीं हो पाएगा। इधर लिखा है ना, उपवास प्रार्थना, प्रार्थना और उपवास करेंगे तब ये जाति शैतान दुष्टात्मा जाएगा। प्रभु इधर क्या बोलना चाहते हैं, जब हम उपवास करते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना का मतलब क्या है, प्रभु से हम बात करते हैं, प्रभु हमसे बात करते हैं, रिलेशनशिप, एक संबंध, एक रिश्ता ताजा रहता है। अभी देखिए, हम एक व्यक्ति के साथ, आज मैं एक व्यक्ति के साथ सुबह मिली, एक घंटा बात किया, वो एक रिश्ता है, ठीक है। 10 साल के पहले एक मेरा रिश्तेदार को मैं देखी एक शादी में, उसे बात किया, 10 साल के बाद मैं उसे बात ही नहीं किया। वो भी मेरा रिश्तेदार है, लेकिन उसके साथ एक ताजा रिश्ता नहीं है। लेकिन जो आज सुबह मैं एक प्रभु के बच्चा के साथ एक घंटा बिताई, बातचीत किया, वो ताजा रिश्ता है। वैसे जब हम प्रार्थना करते हैं, उपवास करते हैं, अपना समय को अलग करके प्रभु से हम रिश्ता रखते हैं, तब हमको प्रभु का उपस्थिति को महसूस करने के लिए हमको हो पाता है। नहीं तो हम प्रभु का उपस्थिति तो है, हमारा अंदर भी गए, बाहर भी गए, लेकिन जब प्रभु के साथ अच्छा से समय बिताएंगे, प्रार्थना करेंगे, उपवास करेंगे, प्रभु का उपस्थिति को महसूस कर पाएंगे, तब हमको एक विश्वास आएगा, प्रभु मेरे साथ है, इसलिए मैं इस दुष्टात्मा को सामना कर सकता हूँ करके। इसलिए प्रभु ऐसे बोलते हैं, प्रभु एक ही शब्द में बोल दिया, तुम्हारा अविश्वास के कारण तुम भगा नहीं सकते। अविश्वास विश्वास कब आएगा, अविश्वास कब दूर हो जाएगा, प्रभु के साथ अच्छा संबंध रखेंगे, एक ताज़ा रिलेशनशिप, ताज़ा रिश्ता, प्रभु का उपस्थिति हम ज़्यादा महसूस कर पाएंगे, तब हमारे लिए हिम्मत आएगा। और इतना ही नहीं है, वचन सुन सुनकर हमारा विश्वास, रोमियो का 12:3 में पौलुस लिखते हैं, हर एक विश्वासी के लिए एक माप से विश्वास दिया गया है, सबका अंदर विश्वास है। रोमियो का 10:17 में लिखा है, वो वचन सुनते सुनते वो विश्वास ऐसे उस जीवित हो जाता है, मतलब वो मजबूत हो जाता है। वचन सुनते सुनते हमारा विश्वास जिंदा विश्वास रहता है, एक्टिव रहता है, तब हम कुछ मुंह खोल कर बोलेंगे, वो हो जाएगा, पहाड़ भी हट जाएगा। यही प्रभु सिखाते हैं, एक्शन, बोलना है, प्रभु बोल रहे हैं ना, बोलना पड़ेगा। वो प्रभु बोल रहा है, देखिए 20वां वचन में, उसने कहा अपने विश्वास की घटी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम्हारा विश्वास राय के दाने के बराबर भी हो तो इस पहाड़ से कह सकोगे, यहाँ से सरक कर वहाँ चला जा, तो वह चला जाएगा और कोई बात तुम्हारे लिए असंभव न होगी। प्रिय भाई बहनों, प्रभु इधर क्या बोलना चाहते हैं, राय के दाने जैसे छोटा विश्वास है तो भी जिंदा रहना है, उसको एक्शन में डालना है, कहना है पहाड़ से कह सकोगे, यहाँ से सरक कर वहाँ चला जा, बोलना है, बोलेंगे तब। ऐसे हम नहीं बैठेंगे, ऐसे कुछ दुष्टात्मा का पीड़ित हुए एक व्यक्ति है, वो तो मैनिफेस्ट हो रहा है, गिर रहा है, पूरा ऐसे ऐसे हो रहा है, तब हम ऐसे अगर बैठ के ऐसे हम देखते रहेंगे, वो कुछ नहीं होगा। बोलना है, मुँह खोल कर, दुष्टात्मा यीशु मसीह के नाम से मैं तुम्हें आदेश देता हूँ, चला जा इस लड़का से, चला जा मेरे अंदर से, चला जा इस परिस्थिति से, तब हो जाएगा। वो एक्शन है, एक बीज है, देखो एक बीज है, हमको मालूम है वो बीज के अंदर जीवन है, फिर भी उसको लेकर हम एक कमरा, एक डब्बा में डालकर शेल्फ में रख देंगे, कुछ कमरा मतलब कुछ बीरो में रख देंगे, वो कभी पौधा नहीं बनेगा। लेकिन वो जो जीवन है उस बीज में, हमको मालूम है, उसको लेकर हम जमीन में डालेंगे, एक्शन, जमीन में डालेंगे, वो कितना भी मिट्टी उसका ऊपर हो वो उसको ऐसे उसको सामना करके बाहर आ ही जाता है। इतना टेंडर है, टेंडर मतलब इतना मुलायम रहता है,
पहले जो एक बीज से जो पहले एक पौधा आता है, आप बहुत मुलायम गए, लेकिन वो मुलायम गए नरम गए, फिर भी उस खड़क मिट्टी को, मिट्टी का ऊपर आने के लिए उसका अंदर जो सामर्थ्य जीवन है वो काम करता है। वही है हमारा विश्वास भी, छोटा हो सकता है फिर भी जीवित विश्वास रखना है। मतलब वचन की जानकारी हमको होना है, वचन सुनना है, ऐसे नहीं बोलना है कि दुष्टात्मा कहाँ है, कोई किसी के अंदर भी नहीं है। विश्वास के अंदर दुष्टात्मा आ सकता है क्या? हो ही नहीं सकता। ऐसे ऐसे हम अज्ञानता से हम रहेंगे, हम लास्ट तक, कोई कोई मुझे मालूम है 90 उम्र तक विश्वासी हैं, वो लोग विश्वासी थे। वो एक बहन को मैं जानती हूँ, वो विश्वासी थी, पूरा सब 90 साल में उसका मृत्यु हुआ। उसका जीवन में कहीं दुष्टात्मा का काम था, मतलब प्रकट नहीं हुआ, लेकिन उसका जीवन में हम देख पा रहे थे वो बहन को कैसी दुष्टात्माएं उसको बांध कर रखा गया, कुछ आगे बढ़ना नहीं, कुछ करता बढ़ना नहीं देता गया, कुछ मूर्खता से भरी हुई है, हमको मालूम है। लेकिन हम जब बोलते थे बहन आप उसको निकालिए, हम निकालेंगे, लेकिन आप भी बोलना है दुष्टात्मा मेरे अंदर से चले जा। फिर वो तुरंत बोलने लगी, नहीं दुष्टात्मा कैसे मेरे अंदर आ सकती है, दुष्टात्मा तो मैं तो प्रभु का बच्ची हूँ, दुष्टात्मा मेरे अंदर आने का चांस ही नहीं है, बोल दिया। फिर ऐसे अंदर ही रहा, कब आया उसका अंदर मालूम नहीं, लेकिन लास्ट में 90 वर्ष में वो लास्ट में कोई महीना कोई दिनों में जीवन चले जाने के पहले उसका अंदर जो दुष्टात्माएँ थे वो प्रकट होने लगे, क्योंकि उनको पता चल गया है ये शरीर, अभी शरीर इस बहन का शरीर मरने वाला है, हम इस शरीर को छोड़कर दूसरा घर ढूंढना पड़ेगा, इसलिए वो लोग को हलचल हो गया, वो लोग अशांत हो गए, वो बाहर ऐसे ही प्रभाव होने लगा। दूसरा भी एक बहन अभी भी जिंदा है, अच्छा विश्वासी थी जवानीपन में, अभी बहुत उम्र हो गई, उनका अंदर दुष्टात्मा का काम अभी प्रकट ज़्यादा हो रहा है। प्रिय भाई बहनों, अपना आपको वंचित न करें, विश्वासी भाई बहन का अंदर भी दुष्टात्मा का काम हो सकता है, रह सकता है, ऐसे चुपके से रह सकता है, लेकिन हम उसको ढूंढ कर उसको भगाएंगे, वो भागना ही पड़ेगा। प्रभु बोला ना, मैं मेरे परमेश्वर के उंगली से मैं दुष्टात्माओं को मैं भगाता हूँ, इसलिए प्रभु का राज्य, परमेश्वर का राज्य आपके बीच में आया है, हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, व्यक्तिगत जीवन में, जब भी हमारे जीवन में हम महसूस करते हैं ये क्या, मैं आगे बढ़ नहीं पा रही हूँ, बाइबल पढ़ नहीं पा रही हूँ, वचन पढ़ नहीं पा रही हूँ, प्रार्थना नहीं कर पा रही हूँ, नींद आ जाता है, आगे नहीं बढ़ पा रही हूँ, मेरा परिवार में क्यों ऐसे हो रहा है, हम सब विश्वासी के क्योंकि इतना प्रॉब्लम क्यों हो रहा है, दुष्टात्मा को सामना करके उसको भगाइए, परिवार में शांति होगा, आपका जीवन में उन्नति होगा। दुष्टात्मा नहीं है करके बोलते रहेंगे, आखिरी 90 साल तक आपका अंदर रहते रहते जब शरीर मर जाएगा तब वो निकलेगा, नहीं तो आपका जीवन को बर्बाद करते रहेगा। इसलिए ये सब चीज़ें, प्रभु का राज्य हमारे जीवन में आएगा, हमारे परिवार में आएगा, कलिसिया में आएगा, कैसे आएगा, हम उसको जानकर उसको भगाएंगे। अब देखिए यीशु मसीह एक आराधनालय में वो प्रचार किया, आपको मालूम है यीशु मसीह आने तक एक्सेप्ट मतलब शाऊल का अंदर प्रकट हुआ, नहीं तो पुराने जमाने में कोई भी लोगों को अंदर से दुष्टात्मा का प्रभाव भागर मैनिफेस्ट मतलब ऐसे गिरना घूमना ऐसे मुंह से ऐसे आना कुछ चीज़ें ये सब नहीं हुआ। लेकिन यीशु मसीह जब आया सारे लोग जो उसका उपस्थिति में उपस्थिति को सब डीमंस सब दुष्टात्माएं पहचान लिया, परमेश्वर का पुत्र आ गया आ गए, परमेश्वर का पुत्र आ गया आ गए, उसका उपस्थिति में सब थरथर आने लगे, लोग चिल्लाने लगे। ऐसे एक आराधनालय में प्रभु प्रचार ही कर रहा है यीशु मसीह, लेकिन उसमें एक व्यक्ति ऐसे शांति से बैठा हुआ था, कई सालों से वो आराधनालय में वो आ रहा होगा, लेकिन आज यीशु मसीह आ गया, दुष्ट आत्मा अंदर से चिल्लाने लगा, गिराने लगा उसको, इधर उधर उसको सताने लगा, तब यीशु मसीह उसको भागर कर दिया। प्रिय भाई बहनों, प्रभु का उपस्थिति में ज़्यादा रहने लगेंगे हम, हमारे जीवन में जो जो दुष्टात्मा का काम वो हमको वो उसको हम निकाल पाएंगे। प्रभु का उपस्थिति में ज़्यादा से ज़्यादा रहिए, प्रभु का उपस्थिति को महसूस कीजिए, तब ये दुष्टात्मा का काम जो जो
अंदर छुप कर रहता है, पवित्र आत्मा में प्रकट कराएंगे तब हम उसको भगाएंगे, छुटकारा पाएंगे, आत्मिक जीवन में आगे बढ़ेंगे, परिवार में उन्नति होगा, आर्थिक समस्याएं दूर होएगा, कर्जा दूर होएगा, शांति रहेगा पति पत्नी के बीच में, ये सब हम अनुभव कर सकते हैं। प्रभु का राज्य का अंदर शांति, आनंद, भरपूरी सब जीवन वही है। लेकिन वो कई लोग क्यों नहीं अनुभव कर पा रहे हैं? कहीं दुष्ट आत्माओं को जगह देकर, गढ़ बनाकर ऐसे अंदर रह रहता है विश्वासी लोग, अंदर भी कुछ पहचान कर उसको भगाएंगे नहीं तब आगे बढ़ने नहीं देते। इसलिए प्रभु यीशु मसीह इधर बोलते हैं, तुम्हारा विश्वास को काम में लाओ। पौलुस को देखिए फिलिप्पी शहर में, वो रोज कोई बहन लोग के साथ, भाई लोग के साथ नदी के किनारे में वो लोग बैठ के प्रार्थना कर रहे थे। लेकिन रास्ता में एक लड़की, जवान लड़की, हमेशा दुष्ट आत्मा से भरकर, ओ पौलुस, तुम और आपके साथ जो है, आप लोग परमेश्वर के दास लोग हैं, परमेश्वर के संदेश को, परमेश्वर का संदेश को बोलने आए हैं, ऐसे ऐसे चिल्लाते रही। पौलुस रोज शांत से जाते रहा। फिर एक दिन उसका भी गुस्सा आ गया, ये क्या है, एक्शन में दिखाना पड़ेगा। उसका तो विश्वास था, वो बोलेगा मुंह खोलकर, वो भागना ही पड़ेगा। लेकिन वो कुछ उधर कैसे परिस्थिति इतना मालूम नहीं, इसलिए वो ऐसे चुप रह कर जाते रहा। लेकिन एक दिन उसको भी आज उसको भगाना ही पड़ेगा करके विश्वास को एक्शन में लेके आया, मुंह खोला, यीशु मसीह के नाम से, अथॉरिटी से वो बोला, आदेश दिया, दुष्टात्मा इस लड़की को छोड़कर चला जा। तुरंत वो चला गई। देखिए मुंह खोलकर बोलना पड़ता है, सामना करना पड़ता है। ऐसे शैतान ऐसे चोर गए, हथियार गए, कोई भी चोर हम नहीं बुलाएंगे, कोई भी चोर ऐसे अनुमति लेकर नहीं आएगा। खिड़की खुला रहेगा तो आएगा, आगे दरवाज़ा खुला रहेगा तो, पीछे दरवाजा थोड़ा खुला रहेगा तो उसका अंदर से आएगा। कुछ भी चीज़ थोड़ा उसको जगह मिलेगा आ जाएगा, कोई परमिशन नहीं लेगा। इसलिए हम, ये तो एक सच्चाई है, मसीह जीवन में एक सच्चाई है। अब ऐसे मत सोचिए दुष्टात्मा कोई कोई लोगों को पकड़ के वो भाग रहे, ऐसे वो लोग गिर रहे हैं, चक्कर आकर गिर रहे हैं, ऐसे वो सताता है, ऐसे लोगों को ही दुष्टात्मा करके आप अपने आप को वंचित मत करना। प्रिय भाई बहनों, हम प्रभु की उपस्थिति में बैठें, उपवास करें, ताजा रिलेशन रखें, तो प्रभु का उपस्थिति हमारे साथ रहता है, तब हम हिम्मत से हम बोल सकते हैं चला जा। अमेरिका में एक सेवक जेसी डुप्लांटिस करके, बड़ा सेवक, वो जब लड़का था, जब छोटा लड़का था, वो और उनका भाई, वो दोनों कोई एक लड़का दूसरा एक लड़का हमेशा स्कूल में सताते रहा, मारते रहा। इसलिए ये लोग क्या किया, एक दिन उस लड़का को घर में सामने, घर के सामने कुछ एक छोटा सा शेड था, उसका अंदर आकर उसका अच्छे से पिटाई करके बेच दिया। तब वो जाकर अपना पप्पा से, वो गुंडा था, उससे शिकायत किया, वो जैसी और उनका भाई मेरे मुझे अच्छे से पिटाई किया। तब वो आ गया, वो गुंडा आकर इनका घर का अंदर आकर, घर का अंदर मतलब गेट का अंदर आकर खड़ा होकर इन लोगों को बोला, ए जैसी, तुम्हारा भाई दोनों मेरा लड़का को आज आप लोग मारे, कितना हिम्मत है, अभी मैं क्या करने वाला हूँ देखो करके। बोलते ही ये लोग थरथराने लगे, ऐसे वो लोग क्या करेंगे ऐसे करके वो लोग रहने लगे। लेकिन अचानक उन लोग देख लिया, उनका मम्मी पीछे घर का अंदर से भाग रहा गई, दरवाज़ा पे खड़े थी और उसका हाथ में बंदूक था। वो लोग, फिर ये लोग का पूरा डर दूर हो गया। वो लोग आइए अब क्या करेंगे हमको, ऐसे बोलने लगे वो गुंडा को देखकर। वो गुंडा भी देखा, ए मम्मी खड़ी है गन लेकर, बंदूक लेकर। तो मम्मी भी बोल रही थी, क्या आपका कितना हिम्मत है, हमारा घर का अंदर आकर मेरे लड़के लोगों को धमकी दे रहे हो, भाग जा नहीं तो अभी आपको बंदूक चलाऊंगी आपके ऊपर करके। तब वो आदमी गुंडा था फिर भी भाग गया। वैसे ही हमारा अधिकार, हमारा जो पर पोजिशन, हम कौन है करके हम जानेंगे। हम शैतान के लिए डरेंगे नहीं, शैतान से पीड़ित लोगों को हम छुड़ाएंगे, और जो भी प्रभु हमसे करवाना चाहते हैं हम करेंगे, प्रभु हमें मदद करेंगे। इसलिए ये सब जानकारी हम पाकर आज़ादी होकर जीवन जिए। कुछ भी चीज़ ऐसे आते रहता तो भी हम भगाते रहेंगे, अपना घर को क्लीन रखेंगे, क्लीन करके पवित्र आत्मा से
और वचन से हमारा दिल को हमारा मन को हम भरेंगे, प्रभु के कार्य में लगे रहेंगे। ऐसे आलसीपन में बैठे न रहेंगे तो वो एक कहावत है, आलसीपन आलसीपन है वो शैतान काम करने का कारखाना है। आलसीपन है शैतान काम करने का कारखाना है। जगह जगह आलसीपन में लोग बैठेंगे, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ऐसे समय बिताते हैं, फिर मोबाइल को ले लेंगे, मोबाइल में फिर ऐसे देखने लगेंगे गंदा गंदा पिक्चर्स। आलसीपन आपके लिए काम करने के लिए कुछ काम नहीं है तो आप ऐसे व्यर्थ बातों में आप जा सकते हैं, तब शैतान को जगह मिलता है। अब आपका अपना शरीर को प्रभु के काम में लगाते रहिए, कुछ काम कीजिए, प्रभु के लिए सेवकाई कीजिए, प्रार्थना में लगे रहिए, सेवकाई में जाइए दूसरे भाई बहन लोग के साथ, वचन सुनिए, गीत सुनिए, वचन पढ़िए, कुछ ना कुछ चीज़ों में आप आराम करने के समय आराम कीजिए। उसके अलावा हम आलसीपन में रहेंगे, शैतान के लिए कारखाना बन जाएगा, आकर अच्छा से अपना चीज़ों को बनाकर इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। इसलिए प्रिय भाई बहनों, प्रभु को हम ये सब जाने, हम प्रभु के नाम से उसका लघु के सामर्थ्य से हम शैतान को भगाएंगे, आज़ादी से जिएंगे, दूसरों को भी आज़ादी देंगे। इन वचनों के द्वारा प्रभु आपको आशीष करें। आमीन।